तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र इन दोनों पुस्तक की बात करेंगे। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो और बनाया था जिसमें हमने प्री और मेंस के लिए जो भी पुस्तकें हैं उनके बारे में बात किया था, और आज हम लोग दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र को देखेंगे। और ये दोनों पुस्तक है बी के नायक का, और ये प्रश्नोत्तर शैली में है। प्रश्नोत्तर शैली में मतलब कि 2012 से लेकर के 2017 तक जितना प्रश्न पूछा गया है उसको तो दिया ही गया है, और साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ पीएससी का जो सिलेबस है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ पीएससी का ये सिलेबस है, इसमें जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी को दिया गया है। मतलब कि पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। ऐसा नहीं है कि पुस्तक छोटा दिख रहा है इसका मतलब इसमें सिलेबस को छोड़ दिया गया होगा, ऐसा नहीं है, पूरा पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया है, ठीक है। छोटा पुस्तक छोटा है लेकिन दमदार पुस्तक है। अब देखिए इसमें ये इस प्रकार से दिया गया है। देखो सीजीपीएससी 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है, 2014, ठीक है, इसमें यह प्रश्न पूछा गया है, ये 2015, ठीक है, यह प्रश्न ऐसे इस तरह से पूछा गया है, ठीक है, 2013, तो इस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछा गया है। और मैंने बताया था पहले ही कि यह 2012 से लेकर के 17 तक है, लेकिन मैंने क्या किया, 2018 में जो भी प्रश्न पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को देखा, एनालिसिस किया, उसके बाद पता चला कि जो 2018 में प्रश्न पूछा गया है वो सभी का आंसर मुझे इसमें मिल गया, ठीक है। देखो 2018 में 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये 2019 प्री में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, और इसी प्रकार से ये देखो ये 2018 8 नंबर का प्रश्न ये पूछा गया था। हालांकि थोड़ा सा आपका जो प्रश्न है उसको थोड़ा घुमा दिया जाएगा लेकिन उसका आंसर आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। प्रश्न घुमा सकता है लेकिन ये पूरा सिलेबस इसमें कवर है, मतलब कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। देखो ये 2018 2 नंबर का प्रश्न था, और इसी प्रकार से ये 2018 2 नंबर का प्रश्न था, यहाँ 2018 4 नंबर का प्रश्न था ये, ठीक है, 2018 2 नंबर का प्रश्न है, ये 2018 8 नंबर का प्रश्न था ये, और ये भी 2018 8 नंबर का। और इसी प्रकार से जितना भी प्रश्न है सभी को आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है, मतलब कि ये बुक से आपका बाहर क्वेश्चन नहीं गया है, जो भी प्रश्न बन सकता है। देखो ये भी 2018 का 4 नंबर का प्रश्न, मतलब कि जितना भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है, सीजीपीएससी के सिलेबस में जितना भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को इसमें दिया गया है, ठीक है, मतलब इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब कि देखो 2018 का जो मुझे क्वेश्चन आंसर मिल सकता है तो 2019-2020 का भी क्वेश्चन आंसर इसमें देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद समाज शास्त्र की बात करते हैं। जिस प्रकार से दर्शन शास्त्र है उसी प्रकार से समाज शास्त्र भी है, ठीक है, इसमें भी जितना भी प्रश्न पूछा गया है 2018 में, ठीक है, वो इसमें दिया गया है। देखो ये 2018 2 नंबर का प्रश्न था, ये भी 2 नंबर का प्रश्न, ये वाला, दो हजार अठारह 8 नंबर का प्रश्न, ये 2018 10 नंबर का प्रश्न। तो इसी प्रकार से जितना भी प्रश्न सभी को दिया गया है आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है, ये देखो 2018 4 नंबर का प्रश्न था, ठीक है, तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को इसने दिया गया है, ठीक है, इससे बाहर मतलब 2018 तक तो नहीं गया है, और इससे 2019 का भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, ठीक है, मतलब कि पूरा पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया है, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पुस्तक छोटा दिख रहा है लेकिन दमदार पुस्तक है, ठीक है, ये दोनों पुस्तक आपको मार्केट में मिल जाएगा, 100-100 रुपये का पुस्तक है, 200 रुपये मैंने दोनों को खरीद कर लाया है। पुस्तक छोटा भी है अच्छा भी है, और ये दर्शन शास्त्र समाज शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जियोग्राफी है एक बार पढ़ लिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, इसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। दूसरे जो भी सब्जेक्ट हैं उनसे ज्यादा आपको इसका रिवीजन देना पड़ेगा, बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा, जिस प्रकार से हिस्ट्री होता है हिस्ट्री के जैसा ही आपको इसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। मतलब कि छोटा सिलेबस है तो ज्यादा अच्छा है, मतलब कि अगर पुस्तक आपको मैं मोटा वाला सजेस्ट कर दूं, मोटा वाला पुस्तक आप ले तो लेंगे लेकिन उसको बार बार आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, आप याद नहीं कर पाएंगे, उसको आपको याद करके लिखना भी पड़ेगा, ठीक है, लिखना ही पड़ेगा, मतलब आपको पूरा याद होना चाहिए तब कहीं जाकर के लिख पाओगे। तो इस प्रकार से आप चाहें तो ये पुस्तक ले सकते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि एकदम सटीक रूप में इसका आंसर दिया गया है, सभी प्रश्नों का समावेश इसमें किया गया है, तो इसलिए मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा। आप चाहें तो ये पुस्तक ले सकते हैं, मार्केट में आपको मिल जाएगा।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आप चाहें तो इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, एक बार आप इसका पीडीएफ देख लीजिए, पीडीएफ अगर आपको पसंद आ जाए तब कहीं जाकर के आप मार्केट से ये बुक खरीदें। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम में इसका मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम में वहां मैं ये पीडीएफ दोनों को छोड़ दूंगा, आप वहां जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके आप देखें, अगर पसंद आएगा पुस्तक तो आप जाकर के मार्केट से खरीद लें, मिल जाएगा, ठीक है, बीके नायक का है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं फिर नए वीडियो में।